क्या होती उतरन। Come on, Ichab. Please answer the phone. Come on. What's wrong with her? Phone kya switch off kiya hai? प्लीज इच्छा, ऐसा मत करो। आंसर द फोन फॉर गॉड्स सेक। ओहो, ये फोन कब से बज रहा है? पता नहीं कहाँ चले गए सब लोग। लगता है अब फोन भी हमें ही उठाना पड़ेगा। हेलो हेलो जी, मैं वीर बोल रहा हूँ। क्या मैं? अरे कौन वीर जी? नमस्ते वीर जी, आप तनिक होल्ड कीजिए, हम अभी तपस्या बिटिया को बुलाते हैं। हाँ तपस्या बिटिया, तपस्या बिटिया जल्दी आओ, वीर जी का फोन है। अरे तपस्या बिटिया, हमने कहा जल्दी आओ, वीर जी का फोन है तुम्हारे लिए। ओह नो, स्कूल में भी नहीं है, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। अब कैसे पता चलेगा कि वो कैसी है? कुकी। अरे वीर जी आप, नमस्ते। नमस्ते। इचकी तो नहीं आई आज, और स्कूल भी बंद है। जानता हूँ, मैं स्कूल से ही आ रहा हूँ। इच्छा को फोन लगाया लेकिन उसका फोन भी ऑफ है। अरे किसी काम में अटक गई होगी इच्छकी। चाय पियेंगे आप? नहीं आज नहीं, थोड़ा जल्दी में, फिर कभी। बाय। अच्छा इच्छकी का अगर फोन आए तो कुछ कहना है? पता नहीं क्या हो गया इच्छा को, आई होप सब ठीक है। इतना टाइम क्यों लगा रहा है तू? ताजे फूल लगाना सब जगह। अच्छा विश्वास नहीं होता, मौसी जी इच्छा के लिए इतना कर रही है। मौसी जी सब देख के बहुत अच्छा लगा। आज भी आपने उतनी ही तैयारी की है जितनी वीर के आने पे की थी। अब तुम दोनों ने उसे अपनी बेटी मान लिया है तो हमारा भी तो फर्ज है। दिव्या, हम दिखने में ऊपर से सख्त लगते हैं पर हम भी तो माँ हैं। एक बेटी की शादी के लिए क्या करना जरूरी है हम जानते हैं। तू जाके आराम कर, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है मास्टर जी। अरे बट वाह माँ वाह, तुम्हारा भी जवाब है। उसे एक ही चीज तो सीखनी पड़ेगी। चुप कर पुष्कर। देख पुष्कर, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उस चुहिया से पीछा छूटे। तूने लड़के वालों को सब तैयारी करवा दी है ना, कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। और सुन, किसी को पता ना चलने पाए इस बात का, तेरी उस मुंह पटपत्नी को भी नहीं, उस
से तो भंते दूध में नींबू निचोड़ने की बीमारी है। अरे माँ, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? हम आ गए हैं ना। अरे अच्छा, क्या तुम कहो तो उसकी माँ तक की शादी करवा सकता हूँ मैं। इतना सा भी नहीं बदला है तू। बेटा किसका हूँ? चल चुप कर, अपनी माँ से ऐसे बात करते तो जल्दी से कर देर हो जाएगी। अरे तू जल्दी जल्दी बर्तन लगा, क्या कर रहा है तू? अरे वीर बेटा, आप खुश रहिए बेटा, आपने खबर ही नहीं करी कि आप आने वाले हैं। टप्पू तो बाहर गई है अपने दोस्तों से मिलने। आप बैठिए, हम दिव्या को बताते हैं। चाय पानी लेके आओ, मेहमान आए हैं। बैठिए। चाय लीजिए। चाय लीजिए बेटा। थैंक यू बेटा। टप्पू को आने में तो वक्त लगेगा, पर आप बैठिए, संकोच मत कीजिए। टप्पू आपकी बहुत तारीफ करती है, वो तो सारा दिन आपकी ही बातें करती रहती है। क्या हुआ बेटा? गुजारा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। आपका ही घर है, जैसे दिव्या आ रही है उससे मिल लेते तो। नहीं नानी जी, आज नहीं, देर हो रही है। दत्ता जी ने काफी काम दिया, उन्हें पूरा कर कर जल्दी घर पहुंचना है। इजाजत चाहूंगा। खुश रहिए। क्या होती उतरन। अच्छा, तुमने वहां से परमिशन ले ली होगी ना, है ना? तुमने वहां से बात ही नहीं की। हमें पता था तुम्हें तो सिर्फ अपनी शादी की पड़ी है, अपनी दोस्त की तो कोई परवाह नहीं है। हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। तुम हमारी दोस्त हो ही नहीं। तुम अपने अलावा कभी कुछ नहीं सोचती है ना? तब वो तुझे पिकनिक की पड़ी है और यहाँ मेरी जिंदगी सेठ के साथ जाने का मौका हमें फिर से नहीं मिलेगा। इच्छा, तुम अगर माँ से बात कर लेती तो। अब कौन सुनेगा मेरी बात? तेरी वजह से सबका मुझ पर से भरोसा उठ गया है। टप्पू आज भी बीच तुझसे मिलने आए थे, लेकिन नानी नानी ने मुझे भला बुरा कहा। मुझ पर डूबिया उठ रही है, तू कब सच बताएगी? सबको सच सच बता दे, वरना मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बता दे, लेकिन एक शर्त पर, तुम हमारे लिए परमिशन ला दो, उसके बाद हम सोचेंगे कि कब सच बताना है। नहीं रुकेगी मेरे साथ। हम यहाँ रुक कर क्या करेंगे इच्छा? और वैसे भी हमें ये सारी नौटंकियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं अकेली पड़ जाऊंगी। इतना डर क्यों नहीं हो तुम? हमने
भी कहा ना तुम्हें, अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं आएगा तो तुम हमसे कह देना, हम माँ और पापा को समझा देंगे। ये चीज सुन जो। और हाँ, माँ से बात जरूर करना। लड़की के दिल का राज जानने के लिए ना कॉफी की जरूरत होती है ना ही डिस्क। वो मत सुनिए जो वो कहती है, वो सुनिए जो वो कह नहीं सकती। मतलब कह नहीं सकती पर कहना चाहती है, वो एक्सप्रेस करना चाहती है। अब ये कौन सी अजीब सी पहेली है? हर लड़की एक अलग पहेली है। अब आप ही उसे सुलझाने की कोशिश कीजिए। तुम कैसी पहेली हो? मैं जितना सुलझाने की कोशिश करता हूँ उतना ही उलझती जाती हूँ। पतली पतली सी लग रही थी आज तुम, लगा जैसे मुस्कुराना ही भूल गई हो। हमेशा ही अनकहा सुनना और समझना बहुत मुश्किल होता है, तुम क्यों इतनी याद आ रही हो इच्छा? कितनी देर ये फोन बंद रहेगा? दिव्या तू ये किसे बार बार फोन कर रही है? अरे मौसी जी, तपस्या के पापा को फोन लगा रहे। पता नहीं इसी जगह जाते क्यों है जहाँ फोन नहीं लगता। तू बेकार उन्हें परेशान कर रही है। अरे जोगी को तू जानती है, सारा काम छोड़कर आ जाएंगे। जरा सी बात के लिए कितना नुकसान हो जाएगा। पहले रिश्ता तय हो जाए फिर हम उन्हें बता देंगे, और फिर ऐसे छोटे मोटे फैसले तो हमें खुद कर लेने चाहिए। तपस्या कहाँ है? वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है। अरे हमने उससे कहा था ना कि घर पर रहे इच्छा के साथ। अरे हमने ही कह दिया उसे जाने के लिए, क्या करेगी वो यहाँ रहकर। रोहिणी जा तू रसोई घर में देख, सब तैयारी हो गई ना। अरे नहीं नहीं मैं देखती हूँ। तू रहने दे।